रेडी स्टार्ट। बीजा रोगों में जे रोगों नाबूद थया छे ते रोगों आपना आ प्रदेश में टकी रहेल छे, परंतु शीतला जेवा रोगों ने आपणे आपना देश माथी नाबूद करेल छे, ए आपना माटे नानी सूनी सिद्धि न गणाय। आम छता पेट ने लगता असंख्य रोगों के जेओ दी आपणे हजू पण पीड़ा भोगवीए छीए तेमनाथी मुक्त थवा माटे आपणे आपना प्रयत्नो बमणा करी देवा जोईए। नाना बाळकोना झाड़ा विषे आपणे खास ध्यान आपवानी जरूर छे। अन्य रोगों जेवा के बाळ लखवो वगैरे ने दवा अथवा रसीओ मुकाववाना व्यापक कार्यक्रमों मार्फत सहलाई थी अटकावी शकाय छे। ज्यारे मलेरियाए एकाएक वधारे गंभीर स्वरूप पकड़्यू त्यारे आपणे एना प्रत्ये ध्यान केन्द्रित करी एने आपणा देशमांथी नाबूद कर्यो, ते माटे आपणे भारतीयो अभिनंदनने पात्र छीए। आ बधुं मलेरिया विरुद्ध सतत पगला लेवामां आवेल ढीलास तेमज मच्छरो अने बीजा नुकसानकारक जंतुओनी वृद्धि ने परिणामे हतुं अने ए माटेना केटलाक पगलाओमां अस्तित्व धरावता मच्छरो अने जंतुओना नाश माटेनी दवाओमां वधारो करवानो समावेश थाय छे। तेज प्रमाणे क्षय रोग अने बीजा गंभीर रोगोनुं वेड़ासर निदान अने एमने फैलाता अटकाववा माटे झड़पी पगला लेवा जरूरी होय छे। पेरा आरोग्य ए विकासनी अंतर्गत आवी जाय छे। केटलाक लोको शारीरिक रीते समान होता नथी अने तेओ पोतानी शक्तिओ श्रेष्ठ रीते उपयोग करी शकता नथी। विश्व आरोग्य संगठनना खतपत्रमा आरोग्यनी संभाळनी फक्त रोग अथवा खोड़नी व्यवस्था न करता विशाळ अर्थमा व्याख्या करवामा आवेल छे। आरोग्य संभाळ केन्द्र स्थापवा अने ए अंगेनी तालीमनी सवलत ए फक्त आरोग्य संभाळनी दिशामा अपूर्ण कार्य गणाय। प्राचीन कहेवत मुजब रोगने मटाडवा करता रोगने अटकाववो श्रेष्ठ छे। ए माटे आपणे जाहेर जनता अने व्यक्तिगत आरोग्य प्रत्येना वलणमा परिवर्तन लाववुं जोईए। आरोग्य अंगेनी योजना बनावनाराओ माटे आ खरेखर एक पड़कार छे। मोटा भागना देशो के जेओ अही प्रतिनिधित्व करे छे तेओ हॉस्पिटलो स्थापवामा तबीबी सवलतो पूरी पाड़वामा अने आरोग्य कर्मचारीओने तालीम आपवामा आगळ पड़ता छे। घणा गंभीर रोगोने पण साधारण सावचेती राखवाथी सहेलाईथी मटाड़ी शकाय छे। ज्यारे अन्य रोगोने शरूआतमा थोड़ी सावचेती लेवाथी खर्चाळ दवाओनो उपयोग कर्या विना मटाड़ी शकाय छे। रोग थतो अटकाववा माटे रोग प्रतिबंधक शिक्षण अने संदेशा व्यवहार पर भार आपवो जोईए, खास करीने ग्रामीण विस्तारोमा। पेरा आपणा देशमा दवानी देशी पद्धतिओनो समृद्ध वारसो पड़ेलो छे। भारतमा आयुर्वेद युनानी सिद्ध अने योग सदियोथी लोकोनी सेवा करे छे। आधुनिक दवाओए पुराणी पद्धतिओनी जगा लीधी छे अने घणीवार एमनी ठेकड़ी उड़ावी छे। साधनोना अभावे ते पद्धतिओ क्षमता अने संशोधनमा आधुनिक दवाओनी सरखामणीमा पाछड़ पड़ी गई छे। हजु पण लाखो लोको ए पद्धतिओमा विश्वास करे छे अने खरेखर एमनोज उपयोग करवानुं पसंद करे छे। वास्तवमा आधुनिक दवाओमा पुराणी पद्धतिनी औषधियो अने दवाओनो उपयोग करवामा आवे छे।
आ पद्धतिओना आचरणना अने उपयोगनी कसोटी करी एमने आधुनिक दवाओमा भेड़वी देवी ए डाहपण भरेलू छे। सौने पोसाय तेवा आरोग्यना आ कासना हेतुने आरोग्य संभाळना संगठनमा मान्य स्थळे आ बधी पद्धतिओनो उपयोग करीने सारी रीते पार पाड़ी सकाशे। आथी समझदार नागरिको द्वारा अज्ञानता थी अथवा ऊंट वैदो द्वारा जाणी जोईने दुरुपयोग एमनो थाय छे ते दूर थसे। तबीबी धंधो बधा धंधाओ करता एक सौथी आदरणीय धंधो गणाय छे। पेरा मित्रों, पुनर्रचित हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्डनी आ प्रथम बैठक ने संबोधता हूँ खूब आनंद अनुभवु छू। तेमाए ज्यारे रणमलपुरनी करुण घटना हजी आपना मनमा ताजीज छे तेवे समये आ बैठक मड़ी रही छे। ते अल्प जाणीता गाममा बनेला कड़ीबद्ध दुखद बनावोथी अस्पृश्यता सामे धर्मयुद्ध खेलनार गांधीजीनी जन्मभूमि गुजरातमा वसता आपणने सौने ऊंडो आघात लाग्यो छे। पेरा रणमलपुरना बनाव परथी एटलू फलित थयू छे के हजीय केटलाक लोको तरफथी अने खास करीने ग्राम्य विस्तारमा अस्पृश्यता चलावाई रही छे। वड़ी आ अनिष्टना मूळ समाजमा केटला ऊंडा गयेला छे तेनो पण ते ख्याल आपे छे। हरिजनोने मंदिरमा प्रवेशवा देवामा आवता नथी, तेमने सार्वजनिक कुवाओमांथी पाणी भरवा देवामा आवतु नथी, तेमने होटलोमा अने अन्य जाहेर स्थळोमा तेमना प्रत्ये भेदभाव राखवामा आवे छे। एवी फरियादो आपणे वारंवार सांभळीए छीए ते खरेखर खूबज चिंताजनक छे। पेरा आवी अमानुषी प्रथाना समर्थनमा घणीवार धार्मिक ओठा उभा करवामा आवे छे ते घणी कमनसीब बाबत छे। वास्तवमा धर्मने आध्यात्म